बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन टिक्का सैंडविचेस, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। और चलिए हम इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। ये मैंने लिया है 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन और उसको मैंने यूँ क्यूब्स में काट लिया, छोटे छोटे क्यूब्स में। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ग्राइंड क्यूमिन यानी ज़ीरा, और ये 2 टीस्पून मैंने पैकेट वाला मसाला, जो टिक्का मसाला है, शान या नेशनल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, 2 टीस्पून मैं ये लिया। इन सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 4 टेबलस्पून योगर्ट। ये डालकर इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह से, इसके अंदर सारे फ्लेवर चले जाएं और मैरिनेशन अच्छी हो जाए। 1 घंटा गुजर चुका है, हमने अपने चिकन को मैरिनेट करके रखा था। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे जस्ट, और इसमें हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो सारा डाल देंगे। इसको हम इस पे डाल के तो थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे, ताकि ये इसी पानी में अपने चिकन के अंदर से जो पानी निकलेगा, इसी पानी में ये चिकन गल जाएगा और फिर हम इसको फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको कवर करके पकाया और उसके बाद मैंने इसको, इसका पानी जो निकला था उसी में चिकन गल गया है। अब मैंने इसको भून लिया। ये देखिए, इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इसका पानी हम मुकम्मल तौर पर हुश कर लेंगे और हुश करने के बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने अपना ये चिकन भी तैयार कर लिया है और अब हम इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए, 6 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, उनके किनारे काट कर हमने रख लिए। टोमेटोज, उनकी हमने स्लाइस कटिंग कर ली है इस तरह से। अनियंस की भी इस तरह से राउंड राउंड कटिंग हो चुकी है। खीरे भी हमने देखें इस तरह से काट लिए हैं। इसके अलावा आप जो भी सैलड अंदर डालना चाहते हैं अपनी पसंद का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये 3 चीज़ें ली हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने तमाम ब्रेड स्लाइसिस के ऊपर मायोनीज लगाएंगे। मायोनीज लगाने के बाद हम जो चिकन हमने बनाया है वो डालेंगे। 2 ब्रेड पीसेस के ऊपर हम चिकन डालेंगे। कम डालना चाहते हैं कम डालें, ज़्यादा चिकन आपको पसंद है तो आप इसमें भर के फिलिंग कीजिए, एज़ यू लाइक। चिकन लगाने के बाद हम एक स्लाइस पकड़ेंगे और मायोनीज वाली साइड चिकन के ऊपर रखकर हम इसको ब्रेड पीस को यूं रख देंगे, लाइक दिस। अब जो ऊपर साइड आई है उसके ऊपर हम अगेन मायोनीज लगाएंगे इस तरह से,
इसके ऊपर अब हम अपना तमाम सैलेड सेट करेंगे। Like this. Like this. अब जाएंगे हमारे अनियंस। और स्मॉल पीसेस हम इन जगहों पे भी रख देंगे इस तरह से। अब हम चिली सॉस लेंगे और चिली सॉस को हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो केचप यूज़ करें, चाहें तो चिली सॉस, जो आपको पसंद है। और थर्ड पीस भी हम इसके ऊपर यूँ लगा देंगे। हमारे सैंडविचेस असेंबल हो चुके हैं, अब हम इनको ग्रिल करेंगे। ग्रिल पैन गरम हो चुका है और हम सैंडविचेस को उठाकर इसमें ग्रिल होने के लिए रखेंगे इस तरह से। तकरीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए हम एक साइड पकाएंगे और जब उस पर ग्रिल के निशान आ जाएंगे तो फिर 2 मिनट के बाद हम दूसरी साइड पलट देंगे उसकी। 2 मिनट गुजरे हैं और मैंने इसकी देखें साइड चेंज कर दी है, कितना प्यारा उसके ऊपर कलर आया है। अब 1 से 2 मिनट ही हम इस साइड को पकाएंगे और फिर हम इनको उतार के कटिंग करेंगे। सैंडविचेस ग्रिल हो चुके हैं, अब हम इनकी कटिंग करेंगे। एक तेज़ नाइफ के साथ आप इनको स्लो स्लो कट कर लीजिए इस तरह से। सैंडविचेस रेडी हैं, अब हम इनको एक प्लेट में सेट करेंगे। तो ये तैयार हैं हमारे मज़ेदार से स्पाइसी टिक्का सैंडविचेस। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।